ओके अब हम देखते हैं मेनोपॉज के बारे में। मेनोपॉज की डेफिनेशन है, इट इज़ एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर 12 मंथ्स विच इज़ परमानेंट। ओके एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर 12 मंथ्स विच इज़ परमानेंट एंड इट इज़ ड्यू टू शट डाउन ऑफ द ओवेरियन एक्टिविटीज। शट डाउन ऑफ ओवेरियन एक्टिविटीज। एवरेज एज वर्ल्ड वाइड है वो है 51 ईयर्स, इंडिया में वो है 47 ईयर्स, तो अराउंड 40 टू 55 के बीच में हो सकता है। एवरेज है 47 ईयर्स, 40 टू 55 के बीच में। अगर लेस देन 40 ईयर्स हुआ देन इट इज़ प्री मैच्योर मेनोपॉज ड्यू टू प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर। अगर मोर देन 55 ईयर्स हुआ देन इट इज डिलेड मैनपॉज, एंड डिलेड मैनपॉज इट इंक्रीज द रिस्क फैक्टर ऑफ एंडोमेट्रियल एंड ओवेरियन कैंसर, क्योंकि इसमें ईस्ट्रोजन से बहुत ज़्यादा देर तक एक्सपोज रहती है फीमेल, तो इसी वजह से एंडोमेट्रियल एंड ओवेरियन कैंसर के रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं। अब मेनोपॉज इट ऑकर्स ड्यू टू प्रोग्राम्ड सेल डेथ विच इज एपोप्टोसिस ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स, तो इसमें ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं उसका एपोप्टोसिस होता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन। ओके अराउंड ओवेरियन फॉलिकल रिजर्व जो होती है वो डिप्लीट हो जाती है, तो अराउंड 400,000 ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होती है एट प्यूबर्टी, और धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल वो फॉलिकल जो होती है वो डिप्लीट होने लगती है, अल्टीमेटली एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज वो सारे ओवेरियन रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं ड्यू टू दिस एपोप्टोसिस ऑफ द फॉलिकल। अब ओवरी हैज लिमिटेड नंबर ऑफ ओवम या फिर ओसाइड, वंस दिस ऑल द ओवेरियन रिजर्व्स आर डिप्लीटेड तो कोई भी ओसाइड बचेगा नहीं। अब कोई भी ओसाइड या ओवेरियन फॉलिकल है नहीं तो फिर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल वो कम हो जाएगा। ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होगा तो फिर एंडोमेट्रियल साइकिल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो नहीं होगी, तो फिर मेंसेस नहीं होगी फीमेल, वो तो एमेनोरिया होगा या फिर एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स होंगी। अब देर इज नो ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, ओके ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है नहीं तो फिर जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो रहा है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो रहा था FSH और LH को, तो वो भी लॉस हो जाएगा। तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन वो तो कम होंगे लेकिन FSH एंड LH वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो जो सिम्टम्स होता है वो इन दोनों की वजह से ही होता है। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वो कम हो गया और दूसरा LH एंड FSH वो इंक्रीज हो गया इसी वजह से। तो ये सारे सिम्टम्स होता है, बेसिक दिखा देता हूँ। पहले बोन रिजॉर्प्शन होता है, फिर वेजो मोटर सिम्टम्स होते हैं, ड्राइनेस ऑफ द वजाइना, जेनाइटिक यूरिनरी सिंड्रोम्स होते हैं, जेनाइटिक यूरिनरी सिम्टम्स, फिर नो एंड्रोजन, एंड्रोजन भी नहीं होगा तो इसी वजह से लॉस ऑफ लिबिडो होगा। तो ये बेसिक ओवरव्यू ऑफ सिम्टम्स, पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स। अब पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मेनोपॉज, तो कोई देर आर नो मोर ओवेरियन फॉलिकल्स लेफ्ट, तो लो ईस्ट्रोजन, लो प्रोजेस्टेरोन एंड लो एंड्रोजन, लो एंड्रोजन की वजह से लॉस ऑफ लिबिडो, ये हो गया। अब लो प्रोजेस्टेरोन उसकी वजह से क्या होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फिर एमेनोरिया हो जाएगा, एमेनोरिया प्लस LH जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वो लॉस हो जाता है, इसलिए एमेनोरिया होगा, LH वो इंक्रीज हो जाएगा, ये प्रोजेस्टेरोन की कहानी। फिर ईस्ट्रोजन में क्या होगा, जो मेन हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम वो है ये ईस्ट्रोजन, मोस्टली सारे फीचर्स जो होता है वो ईस्ट्रोजन लो है उसकी वजह से ही होते हैं। तो लेस देन 20 पिकोग्राम पर ml इट्स डायग्नोस्टिक फॉर मेनोपॉज। ओके लेस देन 20 पिकोग्राम पर ml ईस्ट्रोजन लो है तो उसकी वजह से कौन से सिम्टम्स होंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले कोरोनरी आर्टरी डिसीज, उसके चांसेस इंक्रीज होंगे, ऑस्टियोपोरोसिस, वजाइनल ड्राइनेस जिसे कहते हैं सीनाइल वजाइनाइटिस, फिर वजाइनल ड्राइनेस, जो वजाइनल पीएच नॉर्मली जो एसिडिक होती है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू एल्कलाइन। ओके वजाइनल ड्राइनेस होगी, वजाइनल पीएच विल बिकम एल्कलाइन, इसकी वजह से वजाइनल इन्फेक्शन के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। फिर जेनाइटो यूरिनरी सिम्टम्स होंगे, FSH वो इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू लॉस ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, FSH वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम या फिर हॉलमार्क ऑफ सिम्टम ऑफ मेनोपॉज़ वेजो मोटर सिम्टम, उसमें भी हॉट फ्लैशेस, कि हॉट फ्लैशेस ये मोस्ट कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है ऑफ मेनोपॉज विच रिमेंस फॉर अप्रॉक्स 2 to 4 minutes। इसमें एक्सेसिव हीट, स्वेटिंग, पेल्पिटेशन, एंग्जाइटी होती है फीमेल को। मेन कॉज ऑफ हॉट फ्लैशेस इज लो ईस्ट्रोजन प्लस LH सर्ज, कि मेन कॉज इज लो ईस्ट्रोजन। तो ये सारे सिम्टम्स हो गए, एंड्रोजन की वजह से लॉस ऑफ लिबिडो, प्रोजेस्टेरोन की वजह से एमेनोरिया एंड LH सर्ज, लो ईस्ट्रोजन उसकी वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज, फिर LDL जो होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, HDL वो कम हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस ड्यू टू इंक्रीज ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, फिर वजाइनल ड्राइनेस, वजाइनल पीएच बिकम एल्कलाइन, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी होगा, यूरिनरी सिम्टम्स या फिर जेनाइटो यूरिनरी सिम्टम्स, हाई FSH एंड हॉट फ्लैशेस। तो ये सारे सिम्टम्स हो गए ऑफ मेनोपॉज। फिर अदर सिम्टम्स लाइक स्लीप डिसऑर्डर्स, डिमेंशिया, कॉग्निटिव डिसऑर्डर, पोस्ट कोइटल ब्लीड, डिप्रेशन, रिंकलिंग ऑफ स्किन, अर्जेंसी, डिस्यूरिया, रिकरेंट UTI, ये जेनाइटो यूरिनरी सिम्टम्स। जेनाइटो यूरिनरी सिम्टम्स होता है वो इंक्रीज होते हैं विथ टाइम, जबकि हॉट फ्लैशेज है वो डिक्रीज होता है विथ टाइम, तो इसलिए जेनाइटो यूरिनरी सिम्टम्स उसको ट्रीट करना पड़ेगा। यहाँ पे मेन सिम्टम्स की अगेन लिस्ट दी लिखी हुई है, हॉट फ्लैशेज, ड्राई वजाना, वजाना इन्फेक्शन, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, ऑस्टियोपोरोसिस, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग भी हो सकता है कुछ केसेस में, एनोव्यूलेशन एंड नाइट स्वेट्स, और बाकी ये सारे सिम्टम्स। जो हॉर्मोनल चेंजेस है वो ईस्ट्रोजन लेस देन 20 पिकोग्राम,
फिर LH और FSH हाई होगा, LH मोर देन 20 IU, FSH ऑल्सो मोर देन 40 IU। अब ऐसे पेशेंट में ईस्ट्रोजन कम है तो LH FSH ज़्यादा होगा, तो इसमें HMG कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द यूरिन ऑफ द पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल। ओके, HMG इट ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोफिन। ओके, ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोफिन इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द यूरिन ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल। ये भी एक पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले देखते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ दिस जेनाइटो यूरिनरी सिम्टम्स, उसकी ट्रीटमेंट देखते हैं। ओके, ड्यू टू डिक्रीज ईस्ट्रोजन देयर इज ड्राइनेस ऑफ वजाइना नोन एज सीनाइल वजाइनाइटिस। पहले हम वजाइनल एग्जामिनेशन करके उसमें हमें पेल वजाइना दिखेगा, लॉस ऑफ रूगोसिटी, डिक्रीज द हाइड्रेशन, थिन म्यूकोजा, ये दिखेगा हमें वजाइनल एट्रोफी, और ये सारे जेनाइटो यूरिनरी सिम्टम्स है। डिस्पेरुनिया, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीड, पोस्ट कोइटल ब्लीड। फिर यूरिनरी सिम्टम्स, यूरेथ्राइटिस, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, डिस्यूरिया एंड रिकरेंट UTI। तो ये जेनाइटो यूरिनरी सिम्टम्स। मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन इज वजाइनल लुब्रिकेंट एंड मॉइस्चराइजर। तो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट इज वजाइनल लुब्रिकेशन एंड मॉइस्चराइजर। सेकंड लाइन इज लोकल ईस्ट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ क्रीम या फिर पेस्ट्री और रिंग्स। ओके, फर्स्ट लाइन वजाइनल लुब्रिकेंट, सेकंड लाइन लोकल ईस्ट्रोजन इन फॉर्म ऑफ क्रीम, रिंग्स और पेस्ट्री। थर्ड लाइन इज सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, कौन सा ड्रग, ओस्पेमिफिन। ओस्पेमिफिन इट इज़ अ SERM, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ओस्पेमिफिन। तो कौन सी, फर्स्ट लाइन वजाइनल लुब्रिकेंट, सेकंड लाइन लोकल ईस्ट्रोजन, थर्ड लाइन SERM, ओस्पेमिफिन। अब इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या करेंगे और उनकी फाइंडिंग्स क्या हुई, तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लो होंगे, ईस्ट्रोजन लेस देन 20 पिकोग्राम पर ml, FSH LH हाई होंगे, इनिबिन वो भी लो होगा, इनिबिन भी वो लो होगा, टेस्टोस्टेरोन वो अराउंड सेम रहता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन वो लो होगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, एंटी मुलेरियन हार्मोन वो लो होगा, एंड एंटी मुलेरियन हार्मोन इज अ मार्कर ऑफ ओवेरियन रिजर्व। ओके, एंटी मुलेरियन हार्मोन इट इज़ अ मार्कर ऑफ ओवेरियन रिजर्व। फिर जब हम अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे तो उसमें ओवरी वो साइलेंट होगी, देयर विल बी नो फॉलिकुलर एक्टिविटी, हाइपोप्लास्टिक यूट्रस होगा, ड्राई पिंक एंड एल्कलाइन वजाइना। तो ये USG फाइंडिंग्स होगी। तो ये इन्वेस्टिगेशंस हो गए, उसमें याद रखना ये AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन वो लो होगा, इट इज़ अ मार्कर ऑफ ओवेरियन रिजर्व। ओके, तो अब ये इंडिकेशंस ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो मेन इंडिकेशन इज हॉट फ्लैशेस, फिर जेनाइटो यूरिनरी सिम्टम्स, प्री मैच्योर मेनोपॉज लेस देन 40 ईयर्स में, फिर सर्जिकल ऊफरेक्टोमी के ओवरीज रिमूव की हुए इस कंडीशन में, फिर टर्नर सिंड्रोम, गोनाडल डिसजेनेसिस, के इंडिकेशंस ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब देखते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में, इसका एडवांटेज क्या है। ऑब्वियसली जो मेनोपॉज के जो सिम्टम्स थे उससे ये उसकी ट्रीटमेंट के लिए, तो इम्प्रूवमेंट ऑफ द वेजोमोटर सिम्टम्स, रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर लाइक कोलोरेक्टल कैंसर एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स। अब हम HRT दो केस हम देखते हैं, पहले हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी HRT इन फीमेल हुज यूट्रस इज इंटैक्ट, के हुज यूट्रस इज इंटैक्ट एंड इन पोस्ट हिस्टेरेक्टोमी पेशेंट। तो जिसमें यूट्रस इंटैक्ट है उसमें हम ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन देंगे, सिर्फ ईस्ट्रोजन देंगे तो क्या होगा, इट विल लीड टू एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। तो इसलिए ईस्ट्रोजन को काउंटर बैलेंस करने के लिए हम प्रोजेस्टेरोन भी देंगे टू अवॉइड एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया। तो HRT इन फीमेल्स हुज यूट्रस इज इंटैक्ट उसमें हम देंगे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन प्रोटेक्ट्स एंडोमेट्रियम बाय डाउन रेगुलेटिंग ईस्ट्रोजन रिसेप्टर। अब HRT इन पोस्ट हिस्टेरेक्टोमी पेशेंट उसमें हम सिर्फ ईस्ट्रोजन देंगे, क्योंकि यूट्रस तो प्रेजेंट नहीं है तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया तो हो नहीं सकता, लेकिन कोई कोई कंडीशन है जिसमें हमें फिर भी ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन देना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें हिस्टेरेक्टोमी इज डन बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा या फिर एंडोमेट्रियल वेराइटी ऑफ ओवेरियन कैंसर, या फिर सुप्रा सर्वाइकल हिस्टेरेक्टोमी इज डन, क्योंकि इसमें तो यूट्रस हम प्रिजर्व करते हैं तो इसमें हम देंगे। फिर ऐसी एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियल कैंसर, एंडोमेट्रियल वेराइटी ऑफ ओवेरियन कैंसर, इसमें हम ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन देंगे, क्योंकि इस कंडीशन में ईस्ट्रोजन लेवल जो है वो नॉर्मली हाई रहते हैं, तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हम प्रोजेस्टेरोन देंगे, लेकिन नॉर्मली इन पोस्ट हिस्टेरेक्टोमी पेशेंट हम सिर्फ ईस्ट्रोजन देंगे। ओके, फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ HRT, तो अगर हम ईस्ट्रोजन सिर्फ ईस्ट्रोजन देंगे तो हमने पहले देखा कि इट विल लीड टू एंडोमेट्रियल कैंसर, फिर ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन देंगे तो इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, फिर ट्राइग्लिसराइड वो भी इंक्रीज होंगे तो इंक्रीज रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज, देन क्लॉटिंग फैक्टर्स इंक्रीज होंगे तो थ्रोम्बोवेनस एम्बोलिज्म। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, या फिर कह सकते हो रिस्क ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ओके, ये फिर से वही है, रिस्क ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ HRT, तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, फिर ब्रेस्ट कैंसर, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, लिपिड मेटाबॉलिज्म वो भी अफेक्ट होगा, के हाई LDL, लो HDL, फिर गॉल स्टोन, कोलेसिस्टाइटिस, ओवेरियन कैंसर एंड लिवर डिसीज। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस है ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब हमने देख लिया हम ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन देंगे इन
हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी को, और कोई कोई केसेस में सिर्फ ईस्ट्रोजन देंगे। तो कौन से फॉर्म ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन देते हैं हम वो देखते हैं। तो ईस्ट्रोजन विच इज़ यूज्ड फॉर एचआरटी वो है कॉन्जुगेटेड इक्वाइन ईस्ट्रोजन, 17 बीटा ईस्ट्राडायोल विच इज़ E3 एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। उसमें से मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है वो ये वाला 17 बीटा ईस्ट्राडायोल E3। फिर ओसी पिल्स, यार कोई कोई केसेस में हम ये ट्रांसडर्मल ईस्ट्रोजन भी दे सकते हैं क्योंकि इट हैज़ लेस रिस्क ऑफ वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो ईस्ट्रोजन का फॉर्म है 17 बीटा ईस्ट्राडायोल ओरली या फिर ट्रांसडर्मली, ये ईस्ट्रोजन। अब प्रोजेस्ट्रॉन कौन से देंगे हम? प्रोजेस्ट्रॉन इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट एंडोमेट्रियल अगेंस्ट एंडोमेट्रियल कैंसर। तो प्रोजेस्ट्रॉन के फॉर्म में मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, ओके, मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट MPA, पहले हम ये देते हैं MPA, लेकिन इसमें देर इज इंक्रीज चांस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो दूसरा फॉर्म देते हैं विच इज़ नेचुरल माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्ट्रॉन, के नेचुरल माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्ट्रॉन, ये इट इज़ यूज्ड नाउ। दूसरा फॉर्म है विच इज़ डाइहाइड्रोस्टेरोन, लेकिन ये यूज़ नहीं होता। ईस्ट्रोजन में याद रखना है 17 बीटा ईस्ट्राडायोल, प्रोजेस्ट्रॉन में याद रखना है नेचुरल माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्ट्रॉन, और ये भी याद रख सकते हो मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट। तो इतनी चीज़ें याद रखनी। अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ एचआरटी, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एचआरटी दे आर सेम एज ओसी पिल्स। तो इसका निमोनिक है बैंक्स हैव वेरियस स्कीम टू प्रोवाइड होम लोन्स ड्यूरिंग मे। तो बी से ब्रेस्ट कैंसर, हैव एच से अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, देन अनडायग्नोस्ड वजाइनल ब्लीडिंग, स्मोकर मोर देन 35 इयर्स, हिस्ट्री ऑफ एनी थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म और CAD और स्ट्रोक, देन प्रेगनेंसी, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, लीवर डिजीज, डायबिटीज विथ फसलोपैथी एंड माइग्रेन विथ ओरा और फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स। तो एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी एज वेल एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कि बैंक्स हैव वेरियस स्कीम टू प्रोवाइड होम लोन्स ड्यूरिंग मे। कि अब एक एक करके हम जो मैनेजमेंट देखते हैं, जो सिम्टम्स थे मेनोपॉज के, उसकी मैनेजमेंट देखते हैं। तो पहला है मैनेजमेंट ऑफ हॉट फ्लैशेस। तो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट इज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी, जो हमने देख ली पहले। यूट्रस इंटैक्ट हो तो ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, यूट्रस एब्सेंट हो तो ईस्ट्रोजन। तो फर्स्ट लाइन इज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी फॉर मैनेजमेंट ऑफ हॉट फ्लैश। सेकंड लाइन में इतने सारे ड्रग्स हैं, टीबोलॉन विच इज ईस्ट्रोजन प्लस विच हैज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लाइक एक्शन, ओके, टीबोलॉन, देन SSRI विच इज फ्लुऑक्सेटिन, टीबोलॉन फ्लुऑक्सेटिन, देन क्लोनिडिन, देन गाबापेंटिन विच इज एन एंटी एपिलेप्टिक। तो इतने आप याद रख सकते हो, दे आर यूज फॉर मैनेजमेंट ऑफ हॉट फ्लैशेस। फर्स्ट लाइन इज ऑलवेज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी, फिर टीबोलॉन, फ्लुऑक्सेटिन, क्लोनिडिन एंड गाबापेंटिन। फिर एक दूसरा एक चीज़ याद रखनी है कि हम सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर SERM दे कैन नेवर बी यूज इन मैनेजमेंट ऑफ हॉट फ्लैशेस, क्योंकि इनकी जो साइड इफेक्ट होती है वही हॉट फ्लैशेस होती है। तो हम हॉट फ्लैशेस की मैनेजमेंट के लिए तो हम नहीं दे सकते ये SERM, एक्सेप्ट एक ड्रग विच इज बेजेडॉक्सिफिन। बेजेडॉक्सिफिन वो हम दे सकते हैं फॉर मैनेजमेंट ऑफ हॉट फ्लैशेस, इसको हम कंबाइन करेंगे विथ ईस्ट्रोजन। SERM उसका एक एडवांटेज ये है कि ये बोन डेंसिटी इंक्रीज करता है, और मेनोपॉज में ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, तो हम ये SERM दे सकते हैं, इसमें हॉट फ्लैशेस कम होता है या फिर नहीं होता। तो हम बेजेडॉक्सिफिन उसको ईस्ट्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे, तो इट इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हॉट फ्लैशेस प्लस ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये याद रखना है बेजेडॉक्सिफिन विच इज एन SERM यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हॉट फ्लैशेस। दूसरी कॉम्प्लिकेशन थी वो थी ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस होता क्यों है पहले वो देखते हैं। तो नॉर्मली जो ईस्ट्रोजन होता है वो सीक्रेट करता है ऑस्टियोप्रोटेग्रीन प्रोटीन OPG प्रोटीन। ये क्या करता है, रैंक लाइगेंड से बाइंड करता है और फिर ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करता है, तो इसलिए बोन रिजॉर्प्शन नहीं होता। कि ईस्ट्रोजन सीक्रेट करता है OPG प्रोटीन, याद रखो, वो रैंक लाइगेंड के साथ बाइंड करके ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करता है और प्रिवेंट्स बोन रिजॉर्प्शन। मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन लो हो जाता है तो फिर ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी इंक्रीज होती है और बोन रिजॉर्प्शन होता है। रिस्क फैक्टर्स, ये सारे रिस्क फैक्टर्स है, ये आप पढ़ सकते हो सिंपल। फिर मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर जो होते हैं इन ऑस्टियोपोरोसिस, वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर, के वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर दे आर मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्स इन ऑस्टियोपोरोसिस। तो पेशेंट जो होगा वो उसकी मोस्ट कॉमन कंप्लेंट क्या होगी, बैक एक या बैक पेन, ये उसकी मोस्ट कॉमन कंप्लेंट होगी ड्यू टू दिस वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर। दूसरे फ्रैक्चर्स लाइक कोलिस फ्रैक्चर, हेड ऑफ फीमर फ्रैक्चर, टूथ लॉस, ये सारे दूसरे फीचर्स होंगे ऑस्टियोपोरोसिस। फिर कैल्शियम रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो पोस्ट मेनोपॉज़ल में कैल्शियम रिक्वायरमेंट होती है अराउंड 1200 mg पर डे। तो हम कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे पेशेंट को। फिर विटामिन डी रिक्वायरमेंट पोस्ट मेनोपॉज़ल में होती है 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगी फॉर ऑस्टियोपोरोसिस इन पोस्ट मेनोपॉज़ल फीमेल, तो वो है डेक्सा स्कैन विच इज़ अ बोन मिनरल डेंसिटी स्कैन। इसमें बोन की मिनरल डेंसिटी पता चलती है डेक्सा स्कैन। इसमें दो स्कोर आते हैं, टी स्कोर एंड जेड स्कोर। कि टी स्कोर में हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं बोन मिनरल डेंसिटी ऑफ फीमेल विद दैट ऑफ यंग फीमेल। कि जो फीमेल आई होती है हमारे पास, हम उसका स्कोर कंपेयर करते हैं, उसकी जो बोन मिनरल डेंसिटी होती है उसको कंपेयर करते हैं विद यंग फीमेल।
तो अगर टी स्कोर आया लेस देन माइनस 2.5 स्टैंडर्ड डिविएशन देन फीमेल हैज ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, अगर स्कोर लो आया, बहुत ज़्यादा लो आया, लेस देन माइनस 2.5 स्टैंडर्ड डिविएशन, तो फीमेल हैज ऑस्टियोपोरोसिस। टी फिर दूसरा है जेड स्कोर, इसमें हम कंपेयर करते हैं बोन मिनरल डेंसिटी ऑफ फीमेल विद दैट ऑफ अदर फीमेल ऑफ सेम एज एंड सेम रेस, के सेम एज एंड सेम रेस इसमें यंग फीमेल के साथ। तो ये इससे हम इंटरप्रेटर करते हैं कि फीमेल को ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं। इसकी इंडिकेशन क्या है, तो मोर देन इक्वल टू 65 ईयर्स, फिर पोस्ट मेनोपॉजल हु हैज रिस्क फैक्टर्स जो पहले बताए थे, फिर पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल विथ फ्रैक्चर। तो ये इंडिकेशन ऑफ डेक्सा स्कैन विच इज बोन मिनरल डेंसिटी स्कैन। इसमें टी स्कोर होते हैं, जेड स्कोर, टी में हम यंग फीमेल से कंपेयर करते हैं और जेड में हम सेम एज एंड सेम रेस की फीमेल के साथ कंपेयर करते हैं। फिर एक्सरे ऑफ लंबर स्पाइन जब हम करेंगे तो उसमें हमें कॉड फिश अपीयरेंस देखने को मिलेगा, तो ये भी याद रखना है, कॉड फिश अपीयरेंस या फिर बायकॉनकेव वर्टिब्रा, इस तरह का अपीयरेंस देखने को मिलेगा एक्सरे ऑफ लंबर स्पाइन। फिर मैनेजमेंट, इसमें फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट वो है बिसफॉस्फोनेट, कि बिसफॉस्फोनेट इज द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। इसकी मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होती है गैस्ट्राइटिस, प्लस गैस्ट्राइटिस इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, लेकिन दूसरी सीरियस साइड इफेक्ट होती है ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जॉ। तो ये भी याद रखना है, बिसफॉस्फोनेट कॉम्प्लिकेशन इज साइड इफेक्ट इज गैस्ट्राइटिस एंड ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जॉ। सेकंड लाइन ट्रीटमेंट इज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, फिर टीबोलॉन, ओके विद टीबोलॉन उसमें ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड एंड्रोजन तीनों की एक्टिविटी आती है। तो ईस्ट्रोजन क्या करता है, वो बोन पे एक्ट करता है, बोन रिजॉर्प्शन कम करता है जो पहले बताया था, प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम में एक्ट करता है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया प्रिवेंट करता है, और एंड्रोजन वो लिबिडो ट्रीट करता है, लॉस ऑफ लिबिडो होता है उसको ट्रीट करता है। तो सेकंड लाइन में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, टीबोलॉन एंड एसईआरएम लाइक रेलोक्सिफिन एंड टेमोक्सिफिन, ये मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। फिर दूसरी दो तीन ड्रगें और डिनोसुमाब, डिनोसुमाब क्या करती है, अगेन रैंक लाइगेंड से बाइंड करती है और फिर ये ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी कम करती है, सेम एक्शन लाइक ईस्ट्रोजन डिनोसुमाब। फिर है कैल्सिडोनिन, ये अगेन इट एक्ट्स ऑन ऑस्टियोक्लास्ट। कैल्सिडोनिन के साथ हम दे सकते हैं विटामिन डी एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स, तो हम जो हमने देखा था विटामिन डी रिक्वायरमेंट एंड कैल्शियम रिक्वायरमेंट, तो उसको फुलफिल करने के लिए हम विटामिन डी एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स वो भी देंगे, तो डिनोसुमाब एंड कैल्सिडोनिन। उसके बाद लास्ट दो ड्रग है टेरीपैराटाइड एंड स्ट्रॉन्शियम रेनिलेट, सिर्फ नाम याद रखना टेरीपैराटाइड एंड स्ट्रॉन्शियम रेनिलेट। इन दोनों के स्पेशल फीचर ये है कि ये दो ही ड्रग है जो ऑस्टियोब्लास्ट पे एक्ट करती है, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करती है, बाकी जितने भी ड्रग्स थी वो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रही थी, लेकिन ये दो ड्रग ऑस्टियोब्लास्ट पर एक्ट करती है और उनकी एक्टिविटी इंक्रीज करती है, सिर्फ इतना याद रखना। तो ये थी पूरी मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो एक करके फिर से मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस में फर्स्ट लाइन बिसफॉस्फोनेट, उसकी साइड इफेक्ट, सेकंड लाइन में एचआरटी, टीबोलॉन, एसईआरएम, रेलोक्सिफिन एंड टेमोक्सिफिन, फिर डिनोसुमाब, कैल्सिडोनिन, और लास्ट में ये जो बहुत अलग नाम है इन ड्रग का, स्ट्रॉन्शियम रेनिलेट एंड टेरीपैराटाइड विच एक्ट्स ऑन ऑस्टियोब्लास्ट, बाकी सारे ड्रग्स एक्ट्स ऑन ऑस्टियोब्लास्ट बाय इनहिबिटिंग इट्स एक्टिविटी। ओके, ये सिंपल चार्ट फॉर्म में दिया हुआ है मैनेजमेंट। लो ईस्ट्रोजन हो गया तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए ईस्ट्रोजन इज प्रोवाइडेड बाय हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन इन पेशेंट हु हैज इंटैक्ट यूट्रस, ओनली ईस्ट्रोजन इट विल लीड टू एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंड एंडोमेट्रियल कैंसर, इसी वजह से ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन देते हैं। फिर वजाइनाइटिस के लिए फर्स्ट लाइन क्या था, वजाइनल लुब्रिकेंट्स एंड मॉइस्चराइजर, वजाइनल लुब्रिकेंट्स एंड मॉइस्चराइजर, फिर लोकल ईस्ट्रोजन प्रिपरेशन इन द फॉर्म ऑफ जेली एंड पेस्ट्री। फिर तीसरा था एक ड्रग था एसईआरएम, वो था ऑस्टेमिफिन, ये वेजेनाइटिस की ट्रीटमेंट या जेनाइटा यूरिनरी सिम्टम्स की ट्रीटमेंट। फिर बोन डेंसिटी वो भी अफेक्ट होगी तो ऑस्टियोपोरोसिस, ये उसकी ट्रीटमेंट बिसफॉस्फोनेट फर्स्ट लाइन, कैल्शियम, विटामिन डी, एसईआरएम, सारे जो हमने ड्रग्स देखी वो। तो यही था पूरा मेनोपॉज के बारे में।